बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इसे जनपद जालौन के कैथेरी गांव से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनपद जालौन के कैथेरी गांव पहुंचेंगे, वहां पर इसे ये राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 296.2 किलोमीटर लंबे इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को रिकॉर्ड 28 महीने के समय में तैयार किया गया है। धर्मनगरी चित्रकूट को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाला ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। जनपद जालौन के कैथेरी गांव में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इस जनसभा में गरिमामय उपस्थिति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य मंत्री कुछ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री सहित कई गणिमान्य नागरिक वहां उपस्थित होने वाले हैं। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बनने के बाद आज जो राष्ट्र को समर्पित होगा उसके बाद बुंदेलखंड के विकास को निश्चित तौर पर एक नए पर लगने वाले हैं, क्योंकि विकास की धारा से अछूता ही बुंदेलखंड आज विकास के उस पथ पर जो है जाने को तैयार है, जिसका जो है सपना आज से 2 साल पहले यानी कि 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट के गोंडा गांव में देखा था और उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी। लक्ष्य था 3 साल का, लेकिन जिससे रिकॉर्ड जो है 28 महीने के अंदर तैयार किया गया है और आज इसको राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, राज्य सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस सहित कई राज्यों की पुलिस यहां पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, हर एक गाड़ी को चेक करके भेजा जा रहा है, एक एक वाहन की तलाशी ली जा रही है। और खासकर जब से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई है तो उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से यहां पर पहुंचेंगे कैथेरी गांव में और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने के बाद निश्चित तौर पर बुंदेलखंड में जो पिछड़ा इलाका है वो अब विकास की राह में बहने वाला है। इस समय संबंध में और जो भी अपडेट है हम लाते रहेंगे आप तक।